आटे के निरखों में अदादोशुमार की गलत रिपोर्टिंग पर सेक्टिव फूड पंजाब का सख्त एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर मौतिल, डिप्टी डायरेक्टर सरगोदा, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर तायुनात, डिप्टी डायरेक्टर गुजरात को भी तबादला। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरावाला और मुल्तान के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई शुरू कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। सेक्टिव फूड पंजाब मौसम इकबाल सिपरा कहते हैं, नाहल और सुस्त अफसरान की महकमे में कोई गुंजाइश नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है वो उसके अंदर कमी हुई है चीफ मिनिस्टर साहबा के नोटिस लेने के बाद, और अब जो आटे की कीमत में कल से जो है वो कमी का ट्रेंड दोबारा से शुरू हुआ है। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस शो की है। कल पंजाब में आटा जो है उसकी 20 किलो के थैले के अंदर जो है वो 80 रुपये की कमी हुई है। हमें तो लेक्चर देते हैं कुछ बेचारे दिल जले बैठ कर, लेकिन ये लेक्चर बाकी सूबों को नहीं मिलता जहाँ आटे की कीमत कम नहीं हो रही। बाकी सूबों के लेक्चर नहीं मिलता जिनके सूबों के अंदर जो है वो ईद के चार चार पाँच पाँच दिन तक जो है वो ताफुन ज़्यादा माहौल था, वहाँ से जो है वो लाइशें उठाई नहीं जा सकी थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस लेने के बाद आटे की कीमत में कमी आ रही है। महकमे फूड के चंद अफराद के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। आटे की कीमत में एक दिन में 80 रुपए की कमी आई है। वज़ीर-ए-इत्तला'आत पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के शुरू करदा कई मनसूबे एक साल के अंदर मुकम्मल होंगे। तमाम सूबे हम पर तनकीद की बजाय अपने मामलात पर तवज्जो दें। हाईकोर्ट ने पुलिस को शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सेक्टरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। आपके चेहरों से पता चलता है कि आप बेबस हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मगवी खैर आफियत से घर वापस आए। जस्टिस अमजीद रफीक के रिमार्क्स। हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नवाज शरीफ की NA 130 से कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अदालत ने दरख्वास्त के काबिले समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अनवार हुसैन ने बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल दरख्वास्त पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। हाई कोर्ट में नून लीगी MPA समीउल्लाह खान की नाहली की दरख्वास्त पर समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने MPA के वकील को जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत दे दी। समीउल्लाह खान के वकील को दरख्वास्त के काबिले समाअत न होने पर तैयारी करके पेश होने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब से सुबह भर के पुलिस अफसरान की मुलाकात। मरियम नवाज ने पुलिस अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मुकर्रर कर दिए। वज़ीर आला ने पुलिस को अपनी फ्रंट लाइन फोर्स करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि हम अवाम के हुकूक के लिए अल्लाह ताला को जवाब दे हैं। जुर्म सरजद होने से पहले ही तदारुक के असबाब जरूरी हैं। मुजरिमों के साथ सख्ती का रवैया अपनाया जाए, सियासी मुदाखलत से खराबियाँ जन्म लेती हैं। बदनाम अफसरान को फारिग किया जाए। मुहर्रमुल हराम में अमनो अमान के लिए ख़तरा बनने वालों की ज़िला बंदी के लिए फरिश्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स को 24 घंटों में सिफारिशात भिजवाने की हिदायत कर दी। फ़िरका वारियत को हवा देने वाले मुकर्रीन की ज़ुबान बंदी के अहकामात भी जारी होंगे। सिर्फ मंजूर शुदा रूट्स पर जुलूस की इजाज़त होगी। SOPs भी जारी कर दिए गए। हर जुलूस के रूट को सिक्योरिटी इदारे पेश की क्लियर करेंगे। पंजाब पुलिस मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जलूसों को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, सुबह भर में अशराए मुहर्रम में 38,000 से जायद मजालिस और 10,700 से जायद जलूस मुनक़िद होंगे। अशराए मुहर्रम के दौरान सुबह भर में 4,57,000 से जायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। IG पंजाब का मजालिस और जलूसों के मुंतजमीन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन से तमाम मसाइल कबल अज वक्त हल करने का हुक्म। CCPO लाहौर बिलाल सदीक हमयाना की ज़ेर सदारत इजलास। ज़ेर इल्तवा केसेस के चालानों की बरवक्त तकमील के लिए लाया अमल पर तबादला ख्याल।
बिलाल सिद्दीक कमियाना का मुतलिका डीएसपी को जल्द से जल्द पेंडिंग चालान जमा करवाने का हुक्म। कहा आइंदा दो रोज में पेंडेंसी जीरो न होने की सूरत में मुतलिका अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। महकमे पुलिस में अदम दिलचस्पी, तसाहुल और कोताही की कोई गुंजाइश नहीं, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर फोकस किया जाए। शहर में गिरा फरोशी अरूज पर सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। प्याज 130, टमाटर 180, लहसुन 500, अदरक 750 रुपए किलो हो गई। लीमू 650, मिर्च 150, आलू 120, खीरे 100 रुपए किलो में फरोख्त। केला 150 रुपए दर्जन, सेब और फालसा 450, आड़ू 300, खुबानी 250 रुपए किलो की बिकने लगी।